चलिए सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। बीजेपी सांसद सुवेदन सरस्वती इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय से सीधी तस्वीरें। जोशी जी ने बताया कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने 17 अप्रैल को राजगढ़ में जिस प्रकार से मंदिरों पर और लोगों के मकानों पर बुलडोजर चले, उनको तहस नहस किया, उनको तोड़ा गया, उनकी वास्तविकता को जानने के लिए तथ्यात्मक जांच के लिए एक 5 सदस्यों की समिति बनी। हम वहां पर मौके पर गए और पूरी वस्तु स्थिति से अवगत हुए। लगभग 1 घंटे का समय मैंने जिस घटनास्थल के ऊपर 3 मंदिर तोड़े गए और लोगों के मकान तोड़े गए उसका दौरा किया और बहुत सारे लोगों से रूबरू होकर के बातचीत की, उनसे मिला। वहाँ हमारे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं नगरपालिका के, उनसे भी बैठ करके बातचीत की और उनसे डॉक्यूमेंट्स भी लिए। वहाँ अधिकारियों से भी बात की, ADM SDM उन दोनों को बुला करके भी उनसे बात की और सारी बातचीत होने के बाद हम इस विषय पर पहुँचे। मुझे आश्चर्य हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माने अशोक गहलोत जी जब उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों के मकानों पर बुलडोजर चलाती है तो उस समय वो उनके रहनुमा बनते हैं और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गरीब लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, बिना बताए तोड़ा जा रहा है, वो बेचारे कहाँ जाकर के ठहरेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, आम आदमी की बात तो दूर रही, 300-300 साल पुराने मंदिरों को जिस तरह से तहस नहस किया गया, जिस तरह से उन पर JCB चला गई, बुलडोजर चलाए गए, हथौड़े चलाए गए और पूरे शिव परिवार की मूर्तियों को तोड़ करके जैसे वो नालों में जाकर के पड़ी और मंदिरों को जिस तरह से तोड़ा गया, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अराजकता तो हमने कभी नहीं देखी थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि साहब बोर्ड ने, भाजपा के बोर्ड ने निर्णय लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या सालासर के अंदर, सुजानगढ़ के अंदर सालासर का जो गेट तोड़ा गया जिसके ऊपर सारी मूर्तियां उपस्थित थी, वहां भी भाजपा ने फैसला लिया था? और कई स्थानों पर इस प्रकार की घटना घटित हुई, क्या वहां भी भाजपा ने फैसला लिया था? गौशाला तोड़ी गई, क्या वहां भी भाजपा के बोर्ड का फैसला था? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता, एक नेता ने तो यहां तक कह दिया, यानी मर्यादा भी किसी चीज की होती है। जिस पद पर हम बैठे हैं उस पद के ऊपर बैठ करके एक मर्यादा भी होनी चाहिए। एक नेता, मैं बताना चाहूंगा, प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने तो यहां तक कह दिया कि भगवान कपड़े पहन करके सन्यासी बनकर के लोग झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूं कि उनको अपने गिरेबान पर झांकना चाहिए और उनको विचार करना चाहिए। हमने तथ्यात्मक विषय पेश किए थे, बोर्ड का वो प्रस्ताव आज मेरे हाथ में है। मैं पहले भी राजगढ़ में भी, रामगढ़ में भी, मैंने उस प्रस्ताव को राजगढ़ में भी लोगों के, पत्रकारों के सामने पेश किया था। वहां स्पष्ट किया है हमारे बोर्ड के मेंबर्स ने कि वसुंधरा जी के समय में जो गौरवपथ बना था उसकी चौड़ाई 30 फुट थी, वो भी बाजार में बना, इसलिए कहा गया इसको पूरा किया जाए। और उस रिपोर्ट में स्पष्ट है, उस प्रस्ताव में स्पष्ट है, वहां के अधिशासी अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि कुछ छज्जे उसमें आ रहे हैं, चबूतरे आ रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। तो क्या मंदिर का भी छज्जा था? क्या मंदिर का भी चबूतरा था? वहां तो पूरा मंदिर ही आ गया।
तो वहां का अधिशासी अधिकारी खुद एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसके विपरीत मैं आपसे कहना चाहूंगा, वहां के विधायक जोरीलाल मीणा मीटिंग में उपस्थित थे, वहां की उपाध्यक्ष जो कांग्रेस की में चली गई वो उपस्थित थी, राजेंद्र बेयरवाल जो वहां का पार्षद है कांग्रेस का वो उपस्थित था, और पूरी कार्रवाई पढ़ करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से राजेंद्र जी जो कांग्रेस के पार्षद हैं उन्होंने बार बार ये बात कही कि केवल 3 दिन का नोटिस दे करके और इन मकानों को तोड़ दिया जाए, अतिक्रमण को हटा दिया जाए, जबकि प्रस्ताव में यह हुआ था कि चिन्हित किया जाए। आप सब लोग इस बात से अवगत हैं, चिन्हित का मतलब क्या होता है कि पहले चिन्हित किया जाए कि ये हिस्सा अतिक्रमण का है, फिर उनको नोटिस दिया जाए, उनकी सुनवाई की जाए, और सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उनको तोड़ दिया जाए। न चिन्हित किया गया, न सुनवाई का मौका दिया गया, और सीधा ही डोजर चला करके उनको तोड़ दिया गया। मैं आपको कह रहा हूं कि ये बयान वहां की बोर्ड की रिपोर्ट कर रही है, उसके साथ में मैं आपसे कहना चाहूंगा, दूसरा विषय था बार बार मास्टर प्लान की बात करते हैं, मास्टर प्लान को भी मैंने पेश किया, ये मास्टर प्लान की कॉपी मेरे हाथ में है, मैंने वहां भी पढ़ करके सुनाई थी। मास्टर प्लान के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको फिर पढ़ करके सुना देता हूं, सघन आबादी क्षेत्रों में जहां सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं हो वहां पूर्व स्वीकृतियों एवं भवन रेखा के अनुसार अपेक्षाकृत निम्न स्तर के मापदंड अपनाए जा सकते हैं। राजगढ़ के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु इनके आगे बने चबूतरों और अनधिकृत निर्माणों को हटाकर कुछ हद तक इन्हें चौड़ा किया जा सकता है, कुछ हद तक, यह स्पष्ट है उसमें कि कुछ हद तक चौड़ा किया जा सकता है। जब वसुंधरा जी के समय में हमारी सरकार थी राजस्थान में, हम 30 फुट का गौरव पथ बना सकते हैं, तो ये 60 फुट के मास्टर प्लान को लेकर के बैठ गए, और न उसमें इन्होंने मंदिर को देखा न और देखा। गहलोत जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जाकर के देखें, मैंने खुद देखा, 90-90 साल की 80-80 साल की बूढ़ी औरतें तीसरी और दूसरी मंजिल के ऊपर बैठी हैं, उनकी सीढ़ियां तोड़ दी गई, शौचालय तोड़ दिए गए, पानी की टंकियां तोड़ दी गई, चूल्हे और रसोई तोड़ दी गई, 4-5 दिन से वहां पर न लाइट है न पानी है। ये मानवाधिकार नहीं है, जगह जगह इस बात करते हैं, तो इसलिए उनको ये दिखाई नहीं देता, उनको उत्तर प्रदेश दिखाई देता है, मध्य प्रदेश दिखाई देता है। कहावत है कि पैरों तले जली दिखाई नहीं देती, पैरों में लगी आग दिखाई नहीं दे रही। इसलिए आज हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाना पड़ा कि उनकी बातों का जवाब हम दें और तथ्यात्मक रिपोर्ट हम वहां जाकर के अपनी आंखों से जो देख करके आए उस बारे में आपको हम जानकारी दे सकें। हमने माननीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट दे दी, हमने 4 चीजें उसमें कही। नंबर 1, उसमें हमने स्पष्ट कर दिया था कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया है उसके लिए सरकार माफी मांगे और वापस मंदिर बनाए जाएं। दूसरा, जिन लोगों को बिना नोटिस दिए जिनके पास अधिकृत पट्टे हैं उनको मुआवजा दिया जाए और उनके मकान बनाए जाएं। नंबर 3, के वहां पर हमने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रकार की हरकतें की हैं बिना नोटिस दिए, बिना और लोगों को प्रताड़ित किया है, उनकी जांच न्यायिक जांच करवाई जाए और उनको दंडित किया जाए, उन अधिकारियों को, दोषी अधिकारियों को सजा दी जाए। ये हमारी डिमांड थी और ये हमने माननीय अध्यक्ष जी के सामने आकर के अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। ये मुझे आज आपके सामने कहना था। नहीं, मैं तो खाली मंदिर की बात तो नहीं की, मैं तो गरीबों की बात भी की है, मैंने उन लोगों की बात भी की है जिन लोगों जो लोग आज भी छतों पर अटके हुए हैं, उनकी सीढ़ियां नहीं है। और जहां तक बात मंदिर की बात है, मंदिर हमारी संस्कृति के अंश हैं, केवल मंदिर की बात नहीं करते हम, लेकिन मंदिर की बात जहां तक है, मंदिर हमारी संस्कृति के अंश हैं, हमारी आस्था का प्रश्न है।
हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाएंगे तो हम बात करेंगे, हमारी संस्कृति को तोड़ेंगे तो हम बात करेंगे, हम उसके लिए चुप रहने वाले नहीं हैं। हमारा हक बनता उसके लिए कि हम अपनी आस्था पर ठेस पहुंचाने वाली अगर कोई घटना होती है तो उसकी बात उठाएंगे और उस बात को कहेंगे। इस पर हमारी जो सरकार आएगी, हम बैठ करके हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर चिंतन करेगा, मनन करेगा और जो उचित होगा उसको हम करेंगे। स्वामी जी, आपकी सरकार की, श्री सरकार ने 2017 में रोजगारी को मंजूरी का जब एक जगह 2017 में मंजूरी था, तो आपकी सरकार में क्या पुनरावर्तन नहीं होगा? देखिए, एक बात मैं आपको कहूंगा, प्रक्रिया और शब्दों में बड़ा अंतर होता है। मंदिर हटाने में और मंदिर तोड़ने में रात दिन का फर्क है। हमारे समय में किसी मूर्ति को नहीं तोड़ा, किसी मूर्ति पर हमने बुलडोजर नहीं चलाया, मंदिरों को हटाया। मैं एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। मंदिरों को हटाया, वहाँ से मूर्ति हटाई, उनको भी स्थापित किया, उनकी पूजा पाठ की व्यवस्था की। और मैं फिर कहता हूँ आपको, अगर कहीं ऐसी परिस्थिति, लेकिन मंदिर को हटाने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह ये जो मस्जिदें बयान कर रही हैं, आज की बात भी कर रहा हूँ आपको, वर्तमान में भी कर रहा हूँ, भाई वहाँ 10 फुट जगह अगर छोड़ देते तो क्या आपत्ति थी, क्या संकट था? और मंदिर हटाने की बात मैं फिर कह रहा हूँ, मंदिर हटाने में और मूर्तियों को तोड़ने में रात दिन का फर्क है। भाजपा के लोग मंदिरों को हटा सकते हैं, मंदिर को तोड़ नहीं सकते, ये हमारी आस्था का प्रश्न है। नहीं नहीं, भाजपा देखिए, बोर्ड में नहीं था, मास्टर प्लान का जो काम